वीडियो में हम टाइम एंड टेंस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है कि जो यहाँ वर्ब दिया गया है स्लीप, रेन, ये सभी ये अकॉर्डिंग टू द सिंपल टेंस, सिम कंटिन्यूस टेंस के रूप में, प्रेजेंट टेंस के रूप में वर्ब को भरना है। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस होगा, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, और कहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, वो उसके अनुसार यहाँ पर भरना है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, ये बेसिक टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो शब्द लगा हुआ है नाउ, एन ओ डब्ल्यू नाउ, और जिस सेंटेंस में एन ओ डब्ल्यू नाउ शब्द लगा रहता है, उस शब्द से ये पता चलता है कि वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। मतलब नाउ मतलब होता है अभी अभी काम जारी है, जब अभी अभी काम बोलते समय जारी है तो उस सेंटेंस का प्रयोग और उस कार्य जो होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही किया जाता है उसका प्रयोग। जो काम बोलते बोलते समय जारी हो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग होता है। तो बोल रहा है कि डोंट मेक ए नॉइज, हल्ला मत करो, डोंट मेक ए नॉइज, हल्ला मत करो, द चाइल्ड इज स्लीपिंग नाउ, क्योंकि बच्चा अभी सो रहा है ना। अब बच्चा अभी सो रहा है, अभी अभी जब हम बोल रहे हैं उसमें बच्चा सो रहा है, तो काम जारी है, बोलते समय काम जारी है, इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज स्लीपिंग होगा, द चाइल्ड इज स्लीपिंग होगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा इज स्लीपिंग, यहाँ पर जगह नहीं है इसमें, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, इज स्लीपिंग होगा एक नंबर में। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है इट रेन्स इन जुलाई, है ना। वो आदत है मौसम का, ये आदत है या प्रकृति का यह नियम है कि वर्षा जुलाई और अगस्त में ही होती है, मतलब जुलाई में ही होती है। इट रेन्स इन जुलाई, वर्षा जुलाई में ही होती है, तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा आदत बताने के लिए। इट रेन्स इन जुलाई, वर्षा जुलाई में ही होती है, लेकिन अभी वर्षा हो रही है। कभी कभार ऐसा होती है कि होने लगता है, है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जुलाई अगस्त में ही, बरसात के दिन में ही बरसात होता, कभी कभी ठंडा में ही बरसात हो जाता। तो बोल रहा है कि अभी वर्षा हो रही है, इसे तो वर्षा जुलाई में होती है लेकिन अभी वर्षा हो रही है, बोलते समय वर्षा हो रही है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इज रेनिंग, इज रेनिंग, इट इज रेनिंग नाउ, इट इज रेनिंग नाउ, पहला में रेंस भराएगा, दूसरा में रेनिंग भराएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इट रेन्स इन जुलाई एंड इट इज रेनिंग नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, आवर पब्लिशर जनरली, जनरली शब्द से ये पता चलता है कि वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए, क्योंकि आदत बताने के लिए प्रयोग होता है। जनरली मैंने सामान्यतः, अक्सर सामान्यतः, उसकी आदत है कि वह हमेशा पब्लिशर जो है वह इंग्लिश ही बोलती है। स्पीक यहाँ भरना है तो यहाँ पर स्पीक भरेंगे, जनरली पब्लिशर स्पीक्स हिंदी, वह सामान्यतः हिंदी ही बोलती है, जो प्रकाशक है प्रकाशित करने वाला वह हमेशा सामान्यतः हिंदी ही बोलती है, लेकिन आज बट, यहाँ पर देखो बट टुडे, लेकिन आज वह अंग्रेजी बोल रहा है ना, बोल रहा है, बोलते समय पता चला कि आज अंग्रेजी बोल रहा है। ऐसे तो वह हिंदी बोलता है लेकिन आज अंग्रेजी बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही के बाद इज स्पीकिंग हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज स्पीकिंग होगा। ठीक है, इज स्पीकिंग होगा 3 नंबर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, माई वाइफ एंड आई गो टू द सिनेमा एवरी सैटरडे। यहाँ पर ये आदत बता रहा है, एवरी शब्द आदत को ही बताता है, एवरी संडे, एवरी सैटरडे, एवरी मंडे, ये आदत है कि हर शनिवार या हर रविवार को हम सिनेमा देखने, हम और मेरे पत्नी दोनों जाते हैं। तो आदत बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है, तो सिंपली गो हो जाएगा। ठीक है, माई वाइफ एंड आई गो टू द सिनेमा एवरी संडे, माई वाइफ एंड आई गो टू सिनेमा एवरी सैटरडे, तो गो हो जाएगा सिंपली। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है,
हिज मदर खाली जगह सम फूड इन द किचन एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट मतलब बोलते समय काम जा रही है, तुरंत, अभी तुरंत, एट प्रेजेंट है ना, तुरंत काम जा रही है, जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय काम है। चल कि उनकी माँ, हिज मदर, उनकी माँ तुरंत, तत्काल, एट प्रेजेंट मतलब अभी भी, तुरंत, तुरंत किचन में, किचन में कुछ भोजन पका रही है। बोलते समय काम जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही लगेगा, है ना, कि तुरंत अभी बोलते समय ही काम जारी है तो क्या होगा, कुकिंग इज माय, हिज मदर इज कुकिंग होगा, इज कुकिंग, ठीक है, इज कुकिंग हो जाएगा। पाँच नंबर, अब क्वेश्चन नंबर छः देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छः क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर छः यहाँ पर बोल रहा है कि बिकाउज ही इज हंग्री नाव। यहाँ पर नाव शब्द ये बता रहा है कि अभी अभी तुरंत का बोध हो रहा है ना, कोई काम जो हो रहा है वो अभी तुरंत बोलते समय ही हो रहा है, क्योंकि वह भूखा है अभी, क्योंकि अभी वह भूखा है, बोलते समय वह भूखा है, तो बोलते समय भूखा, इस कारण से बच्चा क्या कर रहा है, रो रहा है ना, बच्चा क्यों रह रहा है, क्योंकि वह भूखा है, तो बोलते समय ही ना काम हो रहा है, रोने का काम क्यों हो रहा है, बोलते समय ही हो रहा है, तो क्राई के, क्राई का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या हो जाएगा, इज क्राइंग, ही इज क्राइंग, वह रो रहा है, ही इज क्राइंग बिकाउज ही इज हंग्री नाउ, ही इज हंग्री नाउ, क्योंकि वह भूखा है इसलिए वह रो रहा है, ठीक है। इसी तरह से सेवन नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि रीड भरना है, रीड भरना है, ठीक है, रीड भरना है, तो क्या भराएगा, सी यहाँ भी एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट इसी पल इसी क्षण, एट दिस मोमेंट मतलब इसी पल इसी क्षण, तुरंत अभी की बात हो रहा है, बोलते समय की बात हो रहा है कि अभी वह पढ़ रही है, तो है, तो बोलते समय का बोध हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही होगा, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सी इज, यहाँ पर रीड भरना है ना, तो सी इज रीडिंग एट दिस मोमेंट, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही लिखना है तो रीडिंग आई एन जी लगाना पड़ेगा, तो सी इज रीडिंग हो जाएगा। सात नंबर में क्या होगा, सात नंबर में होगा सी इज रीडिंग, सी इज रीडिंग एट प्रेजेंट एट मोमेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आठ क्या कर रहा है, द वर्कमैन, द वर्कमैन रिपेयरिंग द रोड नियर आवर हाउसेस। जो वर्कर है, काम करने वाला वर्कर है, वह हमारे घर के नज़दीक रोड बना रहा है, बोलते समय काम हो रहा है, ऐसा थोड़ी है कि सालों भर प्रतिदिन का रोड बनाता ही रहेगा, आदत आदत थोड़ी है रोड बनाने का, वो मेरे घर के नज़दीक में बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर रिपेयरिंग हो जाएगा, इज आर रिपेयरिंग, द वर्क मैन मेन आर रिपेयरिंग, द वर्क मैन आर रिपेयरिंग, आई एन जी लग जाएगा, क्या होगा, रिपेयरिंग। अब क्वेश्चन नंबर नौ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नौ में क्या कर रहा है, द बॉयज स्विम इन द रिवर। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हो सकता है, लेकिन बेहतर है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही देंगे, क्योंकि बोलने वाला आदमी दूसरा कोई है, ठीक है, तो द बॉयज आर स्विमिंग इन द रिवर, बच्चे नदी में तैर रहे हैं, तो द बॉयज आर स्विमिंग इन द रिवर होगा, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही लिखेंगे तो बेहतर होगा, स्विमिंग इन द रिवर। क्वेश्चन नंबर दस देखते हैं, द क्लाउड अक्रॉस द स्काई, जो बादल है वह मूव कर रहा है, ठीक है, मूव मतलब चलना, तो बादल आकाश में बोलते समय क्या, वो अस्थिर तो रहता नहीं है, चलता ही है, और उसमें बोलते समय चल ही रहा होगा, तभी तो हम बोल रहे कि चल रहा है, ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही लिखेंगे, द क्लाउड्स आर मूविंग, द क्लाउड्स आर मूविंग अक्रॉस द स्काई, अक्रॉस द स्काई, ठीक है, तो दस के क्या हो जाएगा, एक आर मूविंग कर देंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, नाव लगा हुआ है, यहाँ भी नाव लगा हुआ है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर नाव,
ही इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर नाउ। वह अभी एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर नाउ। वह एक अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रीड हो जाएगा, है ना, इज रीडिंग होगा। अब हम देखते हैं नंबर 12 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में कर रहा है कि माई वॉच खाली जगह गुड टाइम। तो यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर क्या होगा हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि माई वॉच खाली जगह गुड टाइम, मतलब कि मेरा जो घड़ी है, यहाँ पर कीप भरना, तो कीप में क्या भरेगा? मेरा जो घड़ी है वह बिल्कुल ही सही समय बताता है या रखता है, है ना। ये नेचर है, घड़ी का स्वभाव या प्रकृति है कि वह सही टाइम ही बताता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा। आदत, स्वभाव, प्रकृति बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर माई वॉच हो जाएगा कीप्स गुड टाइम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? फॉर्च्यून खाली जगह द ब्रेव। तो यहाँ पर फेवर में क्या होगा? फेवर में क्या भराएगा? फॉर्च्यून मतलब जो होता है सौभाग्य। भाग्य जो है वह किसके सपोर्ट करता है? फेवर मतलब सपोर्ट करना, हित करना। किसके सपोर्ट करता है? तो बहादुर लोगों को ही सपोर्ट करता है। ठीक है, तो फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। ऑप्शन नंबर 13 के प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आ जाएगा? फेवर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है कि व्हेन डज द कॉलेज ओपन्स, मतलब कॉलेज जो है कब खुलती है, ठीक है, या कब खुलेगी अगली बार, जब खुलेगी तो कब खुलती है। तो ये भी एक निश्चित समय का बोध करा रहा है, तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग होगा। ठीक है, आदत है कि वो कॉलेज कब खुलती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रीओपन हो जाएगा। क्या होगा? रीओपन हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? ही खाली जगह डेविड कॉपरफील्ड। तो रीड में क्या भराएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा डेविड कॉपरफील्ड क्या है? एक प्रकार की कहानी किताब है। ठीक है, तो वह किताब पढ़ता है। ठीक है, उसकी आदत है कि डेविड कॉपरफील्ड बुक पढ़ता है। ठीक है, अब आदत बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, तो रीड्स हो जाएगा। क्या होगा? रीड्स हो जाएगा। 14 नंबर में रीड्स हो जाएगा, सॉरी 15 नंबर में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि माई ब्रदर खाली जगह टुमोरो। तो यहाँ पर arrive है, टुमोरो लगा हुआ है। टुमोरो से ये पता चलता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग होना चाहिए या तो फ्यूचर टेंस में प्रयोग होना चाहिए। तो दोनों लगा सकते हैं, माई ब्रदर विल अराइव टुमोरो या माई ब्रदर इज कमिंग टुमोरो। मेरा भाई जो है आने वाले कल को आ रहा है या तो कल आएंगे, ये होगा। तो यहाँ पर हम माई ब्रदर इज अराइविंग प्रयोग कर सकते हैं। माई ब्रदर इज अराइविंग टुमोरो। क्या होगा? टुमोरो 16 नंबर के। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? वी खाली जगह टू द सिनेमा टू नाइट, मतलब टू नाइट मतलब आज रात को हम सिनेमा जाएंगे। आज हम रात को सिनेमा जाएंगे या जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगा देंगे
वी आर गोइंग टू सिनेमा, एक निश्चित योजना बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग किया जाता है। सिनेमा देखने के लिए एक निश्चित प्लान बना लेते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ या दोस्तों के साथ जाने के लिए एक प्लान बना लेते हैं कि जाएंगे, 4-5 घंटा पहले ही या एक आध दो दिन पहले ही प्लान बना लिया जाता है, योजना बना लिया जाता है। तो यहाँ पर योजना बनाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग कर सकते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब बहुत कम समय में प्लान किया जाता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन जब 1-2 महीना का बात रहता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा वी आर गोइंग टू द सिनेमा टू नाइट, वी आर गोइंग टू द सिनेमा टू नाइट, हम लोग आज रात को सिनेमा देखने जा रहे हैं, हम लोग आज रात को सिनेमा देखने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू द सिनेमा टू नाइट, ठीक है, ये हो जाएगा उसका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे तंग मत कीजिए, डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे तंग मत कीजिए, मुझे अपना होमवर्क बनाने दीजिए, मैं अपना होमवर्क बना रहा हूँ, है ना, मुझे तंग मत कीजिए, तो वो काम चल रहा है ना, होमवर्क बनाने का काम चल रहा है, इसलिए डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे तंग मत कीजिए, आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई होमवर्क, आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, मुझे तंग मत कीजिए, ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही होगा, क्योंकि काम कर रहा है उसमें पढ़ रहा होमवर्क बना रहा है और तंग कर रहा है, तो मतलब बोलते समय काम जारी है, और जब बोलते समय काम जारी होता है तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है, इसीलिए एम डूइंग हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 में। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है। व्हाट इज द मैटर विथ वीना, मीना के साथ क्या बात है, क्या हुआ है, है ना, जिसके कारण से सी इज सिटिंग इन द चेयर एंड क्राइंग, क्योंकि वह उसी किस बात के कारण वह कुर्सी पर बैठी हुई है और रो रही है, है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, सी इज सिटिंग, वह बैठी हुई है एंड क्राइंग, वह रो रही है, ठीक है, सिटिंग एंड क्राइंग, वह रो रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है। माई डॉग, खाली जगह अलॉट, तो माई डॉग, यहाँ पर देखो एट द मोमेंट लिखा हुआ कि कुत्ता जो बहुत जोर जोर से भुकता है, ठीक है, कुत्ता बहुत जोर से भुकता है, बट ही इज नॉट बार्किंग एट द मोमेंट, मेरा कुत्ता का आदत है, मेरे कुत्ता का आदत है कि बहुत ज़ोर से भुकता है, तो पहले वाले सेंटेंस में यहाँ पर जो कॉमा लगा हुआ है उसमें आदत बता रहा है कि मेरा कुत्ता है उसका आदत है कि बहुत ज़ोर से भुकता है, तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बार्क्स हो जाएगा, बार्क्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन इधर एट द मोमेंट है कि इस पल ऐसा क्या हुआ कि वह नहीं भूख रहा है, ऐसे तो उसका आदत है कि बहुत ज़ोर ज़ोर से भूखता है, लेकिन वह इस पल एट द मोमेंट इस क्षण वो भूख ही नहीं रहा है ना, तो इस क्षण का बोध हो रहा है, इसमें हाल फिलहाल के बात हो रहा है, बोलते समय काम जारी का बात हो रहा है, भूखने के बात हो रहा है, जब भूखने के बात हो रहा है तो यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस होगा, तो क्या होगा, वर्किंग हो जाएगा, क्या होगा, वर्किंग, ठीक है। और ऐसे भी जानते हो कि यहाँ पर इज लगा हुआ है तो इसके बाद वी वन होगा ही नहीं, होगा तो वी फोर ही होगा एम इज आर के बाद, तो बार्किंग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 21 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। सी खाली जगह टू द पटना नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह पटना जा रहे हैं, है ना, या जाएंगे ऐसे कह सकते हैं, तो नेक्स्ट वीक लगा हुआ है, तो नेक्स्ट वीक लगा हुआ तो कंटिन्यूअस में भी हम बना सकते हैं या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो सी विल कम टू पटना, या सी इज कमिंग टू पटना, वह पटना आ रही है, अगले सप्ताह क्या हो रहा है, पटना आ रही है वह, ठीक है, तो यहाँ पर इज कमिंग हो जाएगा, ठीक। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है,
ए नोटिस एट द एंड ऑफ बोर्ड इन एट द एंड ऑफ रोड, रोड के अंत में एक सूचना दिया गया है। ए नोटिस एट द एंड ऑफ रोड, रोड के अंत में एक सूचना दिया गया। क्या सूचना दिया गया है कि जो सूचना है ना, ए नोटिस एट द एंड ऑफ रोड, रोड के अंत में जो सूचना है, नोटिस पट्टी है, वह चेतावनी देता है। ठीक है, वार्न मैंने क्या होता है, चेतावनी देना, और यही भरना है। वार्न पीपल नॉट गो एनी फर्दर, कि उसके और बाद नहीं आगे जाना है। नॉट फर्दर है, नॉट टू गो एनी फर्दर, उसके आगे नहीं जाना है। ये इस तरह का नोटिस लिखा हुआ है रोड के अंत में। ठीक है, तो यही होगा यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वार्न्स होगा, चेतावनी देता है। ठीक है, नोटिस जो है वह चेतावनी देता है कि इससे आगे नहीं जाना है, क्योंकि उधर रेड लाइट एरिया है, खाई है या कुछ है इस तरह का। तो वार्न्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है When the curtain rises, जब कर्टेन उठाया गया है ना, जूलियट राइट एट हर डेस्क, सडनली द विंडो ओपन एंड ए मास्क्ड मैन एंटर, है ना। जैसे ही पर्दा उठाया गया है ना, उठाती है, ठीक है, जैसे ही पर्दा उठती है, राइज मैंने उठती है, ठीक है, जूलियट इज राइटिंग हर डेस्क, वो अपने डेस्क पर लिखती है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में राइट्स हो जाएगा। जूलियट राइट्स एट हर डेस्क, वो अपने डेस्क पर लिखती है। सडनली अचानक विंडो ओपन्स एंड ए मास्क्ड मैन एंटर्स, सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा। ठीक है, यहाँ पर ओपन्स हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, एंटर होगा, क्या होगा, एंटर्स हो जाएगा, इसमें ओपेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे भी क्वेश्चन है लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।